निराशा हम सबके लाइफ का एक अहम हिस्सा है। अपनी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं जिनके वजह से हम परेशान भी हो जाते हैं। इस निराशा को अगर हमने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट नहीं किया तो फिर किसी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअल में सारा खेल माइंडसेट का होता है। अगर माइंडसेट पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि ये मेरे से डेफिनेटली हो जाएगा। यही मैसेज आपका दिमाग आपको बार बार भेजेगा और आप उसके लिए बाध्य हो कि वो काम करोगे एंड डेफिनेटली यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। अगर आप इस माइंडसेट के हो कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा, डाउटफुल हो आप इस चीज को लेके, तो डेफिनेटली आप फिर उसी चीज को इनलार्ज करोगे। जैसे बहुत बार हमारा रफ डे होता है तो हम एक पर्सन एक माइंडसेट के साथ है वो बोलता है कि आज का दिन ही बर्बाद है। एक पर्सन है जो कि बोलता है कि आज तो बहुत कुछ सीखने को मिला, मजा आ गया, नेक्स्ट टाइम से ये सारी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट एंड द पॉजिटिव एटीट्यूड जो कि आप अपने लाइफ के लिए रखते हो। इस प्रिपरेशन में भी उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक ये आपके साथ है आपकी प्रिपरेशन हमेशा अच्छी रहेगी और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगी।